अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। तो जो लोग मोटो व्लॉगर्स हैं या मोटो व्लॉगर्स बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही खास एक वीडियो है। तो एज यू कैन सी बिहाइंड मी देयर आर टू हेलमेट्स, दोनों मेरा मोटो व्लॉगिंग हेलमेट है। एक है एमटी थंडरस्टॉर्म एंड अनदर वन इज द एजीवी K1, मेरा मोस्ट फेवरेट हेलमेट है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा खासा मोटो व्लॉगिंग सेटअप सेट किया जाता है हेलमेट के ऊपर। एंड जो लोग मोटो व्लॉगर्स हैं उनको पता रहेगा कि हेलमेट के ऊपर जो हम लोग कैमरा यूज करते हैं वो एंगल सबसे बेस्ट एंगल माना जाता है इन द फील्ड ऑफ मोटो व्लॉगिंग। मोटो व्लॉगिंग में आप बहुत सारे जगह पे हम लोग बाइक में भी अपना कैमरा माउंट करते हैं, बट जो सबसे अच्छा एक एंगल रहता है वो होता है हेलमेट में। कोई कोई ऊपर कैमरा लगाता है, कोई साइड में, एंड मेरा मानो तो सबसे अच्छा रहता है चिन माउंट। तो चिन माउंट सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है फ्रॉम मोटो व्लॉगर्स। अगर आप में से कोई मोटो व्लॉगर है या मोटो व्लॉगर बनना चाहते हैं या कंफ्यूज्ड है कि कहां पर हम लोग एंड किस तरीके से अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप किया जाए हेलमेट में, तो इस वीडियो को देखते रहना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो पहले मैं इस हेलमेट से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा बहुत पुराना हेलमेट है, बहुत पुराना नहीं फिर भी 2 साल पुराना है। एंड इसमें जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैं यूज करता था वो बहुत ही पुराना था। एंड चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कैसे मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप लगवाया था। तो ये रहा चिन माउंट, एंड यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जा रहा माउंट। एंड जब मैंने हेलमेट खरीदा था तो ब्रांड न्यू था, 6,500 रुपये से खरीदा था मैंने ये वाला हेलमेट। एंड बहुत ही अच्छा हेलमेट है, एज यू कैन सी अभी भी मैं इसको यूज करता हूँ। एनीवेज, तो जब हम लोग यहाँ पर चिन माउंट में यहाँ पर लाइक माउंट लगा थे तो हेलमेट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है क्योंकि ब्रांड न्यू हेलमेट रहता है। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने बहुत गम, फेविक्विक, हार्ड ग्लू, बहुत सारे कुछ यूज किए हैं ताकि ये जो चीज है एकदम अपने जगह से हिले ना एंड अच्छे तरीके से यहाँ पर चिपक जाए। एंड आप लोगों को पता है कि जो हम लोग कैमरा यूज करते हैं, एनी कैमरा, कोई अगर एक्शन कैमरा हो जाए या तो गोप्रो हो जाए, गोप्रो वैसे बहुत मतलब एक्सपेंसिव कैमरा होता है, कभी कभार तो हेलमेट से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इन दिस केस इट्स ऑब्वियसली एक्सपेंसिव देन दिस हेलमेट, 6,000 रुपए का हेलमेट है एंड 25,000 रुपए का कैमरा है। तो आप लोग समझ ही सकते हो यहाँ पर हम लोगों को एक्स्ट्रा ग्लू, फेविक्विक वगैरह बहुत कुछ यूज करना पड़ता है ताकि यहाँ पर कैमरा ठीक से सेट रहे एंड ना गिरे। तो इस वजह से क्या होता है, कैमरा तो सिक्योर हो जाता है बट हेलमेट का लुक थोड़ा सा बेकार हो जाता है। तो गाइस ये रहा पुराना टाइप का सेटअप, इसमें हेलमेट डैमेज होता है, हेलमेट दिखने में खराब हो जाता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्लूज, हार्ड ग्लूज यूज करने पड़ जाते हैं, इसके वजह से थोड़ा हेलमेट बेकार हो जाता है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत तरक्की हो चुका है, बहुत कुछ आधुनिक आ चुके हैं मार्केट में जिसके मदद से आप अपना हेलमेट को डैमेज होने से भी बचा सकते हैं एंड मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी सेट कर सकते हैं हेलमेट में। सो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी जो हेलमेट में यूज करता हूँ उसमें कैसे मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप इस्तेमाल करता हूँ। सो लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज माई मोस्ट फेवरेट हेलमेट द AGV K1। एंड इफ यू कैन सी के यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर भी 46 है, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ VR 46। एंड बहुत ही अच्छा हेलमेट है AGV K1, मुझे बहुत पसंद है। बाय द वे इसका लुक बहुत ही कूल टाइप का है। तो अभी मैं इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें कैसे मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप यूज करता हूँ। एंड अगर मैं आप लोगों को पास से दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी मार्क नहीं है, यहाँ पर कोई भी माउंट नहीं लगा हुआ है, फिर भी मैं इसको ही मोटो व्लॉगिंग पर्पज के लिए यूज करता हूँ। अब कैसे, तो चलिए कैसे मैं दिखाता हूँ, बहुत लोगों को पता रहेगा ये चीज एंड बहुत लोगों को पता नहीं भी है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि मार्केट में ऐसा चीज आ चुका है उन लोगों के लिए ही है आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो ये जो सेटअप है साफ सुथरा क्लीन टाइप का सेटअप करने के लिए आपको 2 चीज जरूरी है एंड 2 चीजों के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अराउंड 2,000 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। एंड उसके लिए एक तो है ये वाला जो केस है, ये केस आपको चाहिए, केस के ऊपर लिखा हुआ है उलान जी, तो ये एक गोप्रो का केस है, थोड़ा टूटा वूटा बॉक्स में आया है। तो इसके अंदर हम लोगों को मिल जाता है एक गोप्रो का केस। सो ये रहा केस, बाय द वे अभी मैंने इसको बॉक्स के अंदर घुसा दिया था बट मैं बहुत दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये है वो केस एंड इसमें यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है, इसमें जाता है एडाप्टर गोप्रो का एंड इसमें आता है गोप्रो। तो ये वाला चीज आपको लग जाएगा अराउंड 1,000 रुपीज। तो मैंने इसको परचेस कर लिया था एंड बहुत ही कमाल का केस है, बहुत ही हार्ड है, टफ है, अगर आपका गोप्रो गिर भी जाता है तो ये उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। सेकेंड थिंग इज दैट ये जो माउंट आपको दिखाया दे रहा है, ए वाला माउंट,
तो बहुत ही कमाल का एक माउंट है। इसके मदद से आप अपने हेलमेट को बिना डैमेज किए इसको फिक्स कर सकते हैं हेलमेट के ऊपर, एंड अपना जो गोप्रो है उसको भी इसमें माउंट कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको माउंट कर सकते हैं हेलमेट पे। और राइट गाइस, तो ये रहा मेरा हेलमेट एजीबी। तो इसका जो वाइजर है इसको ऊपर कर लेते हैं, एंड इसको कैसे करके फिक्स किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। एंड इसका भी प्राइस है अराउंड 1000 रुपीज़। तो 1000 फॉर दिस वन 1000 फॉर दैट वन 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, बट उसके मदद से आपका जो इतना महंगा हेलमेट है 16-17 हज़ार रुपये का हेलमेट है वो डैमेज नहीं होगा, वो एकदम नया ही जैसा लगेगा। एंड आपको कोई भी गम हो या कोई भी हार्ड ग्लू हो कुछ भी यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे ये चीज़ फिक्स किया जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, इसको यहाँ पर ऐसा लगाना पड़ेगा। ओके, एंड ये जो स्ट्राइप है इसको अंदर से ले जाना पड़ेगा, एंड यहाँ पर इसका जो लॉक है, एज यू कैन सी, इस लॉक को यहाँ पर जो क्लिप है इस क्लिप के अंदर इसको घुसाना पड़ेगा इस तरीके से, एंड फिर इसको लगा देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं एक बार आपको इसको सेटअप करके अभी दिखा देता हूँ फटाक से। और राइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने अभी इसको फिक्स कर दिया है एज यू कैन सी। तो इसके मदद से क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ भी ग्लू वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला चीज़ यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। आपका हेलमेट में भी कुछ भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रबर दिया हुआ है जिसके मदद से जो प्लास्टिक है इसमें टच नहीं होगा, एंड आपका हेलमेट में कुछ भी स्क्रैच नहीं आएगा। एंड एज यू कैन सी, मैं बहुत दिन से ये वाला हेलमेट यूज कर रहा हूँ एंड कुछ भी स्क्रैच वगैरह नहीं आए, बहुत ही मैं सेटिस्फाइड हूँ विद दिस प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे, गोप्रो को फिक्स करेंगे। तो चलिए अभी हेलमेट को रखते हैं साइड में, एंड गोप्रो को फिक्स करने के लिए अभी तो मेरे पास है गोप्रो, एंड उसका जो अडाप्टर है वो है। तो गोप्रो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर गया गोप्रो, एंड ये जो अडाप्टर है जिसके मदद से हम लोग माइक को कनेक्ट करते हैं गोप्रो से वो है। तो चलिए इसको अभी कैसे लगाया जाता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका जो अडाप्टर है, अडाप्टर का जो जैक है वो जाता है अंदर, अब ये अंदर आ गया, एंड एडाप्टर जाएगा इसके अंदर, और फिर एडाप्टर का जैक इसमें लग जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर एडाप्टर फिक्स हो गया, अब इसको हेलमेट में लगाना पड़ेगा, एंड उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ जे माउंट। यहाँ पर एज यू कैन सी दिस इज द जे माउंट, आपको मार्केट में मिल जाएंगे या आप लोग ऑनलाइन से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो जे माउंट को हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे, एंड यहाँ पर जाएगा एक नट। वैसे आप जे माउंट को भी परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन से, इट कॉस्ट ओनली 250 रुपीज़, ज़्यादा महंगा नहीं है बट बहुत ही कमाल का है। दूसरा जो एक्सटेंशन है उससे बहुत अच्छा है, एंड इस तरीके से जे माउंट को मैंने इसमें फिक्स कर दिया। एंड अब हम लोग करेंगे फिक्स अपना हेलमेट को गोप्रो से। ओके, सो बस बहुत इजी है। यहाँ पर एज यू कैन सी ये जो है इसके अंदर ये वाला जाएगा लॉक, बस इसको लीजिए एंड इसको अंदर पुश कीजिए, बस इजी एंड सिंपल। एंड मेरा माइक भी है, क्योंकि माइक के बिना आपको अच्छा साउंड नहीं सुनाई देगा। तो ये रहा माइक, माइक भी बहुत इजीली यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसका जो जैक है माइक का, इसके अंदर ये जाएगा, एंड फिर माइक को हम लोग अंदर प्लेस कर देंगे। तो अभी माइक का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब आप लोगों को इसका जो सेटअप है वो दिखा रहा हूँ। तो बस इसका वाइजर को मैं इसमें फिक्स कर देता हूँ। तो बस गाइस, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, एंड बस देखिए हो गया एकदम साफ सुथरा एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप। यहाँ पर उलैंजी का केस है, एंड ये वाला जो माउंट है ये है। तो इन दोनों चीज़ों के मदद से आप बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपना हेलमेट को एक मोटो व्लॉगिंग हेलमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अभी मैं कंपेरिजन करके दिखा देता हूँ, तो फिर से एक बार देख लीजिए इसमें कितना बेकार लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गम मैंने यूज़ किया है, एंड इसके लिए हेलमेट का लुक बेकार हो गया है। एंड वेयर एज ये जो है बहुत ही साफ सुथरा है, एकदम क्लीन है, नो गम नो गंदगी, एंड आप जब मर्जी इसको हटा भी सकते हैं। तो ये रहा मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप।
मेरे AGV हेलमेट के ऊपर। तो जिन लोगों का कीमती हेलमेट है लाइक मेरा वाला बहुत ही एक्सपेंसिव है AGV K1, तो जिन लोगों के पास इतना एक्सपेंसिव हेलमेट है वो लोग ये वाला मोटो व्लॉगिंग सेटअप यूज कर सकते हैं। इससे आपका हेलमेट बच जाएगा, कोई भी मार्क नहीं रहेगा, कोई भी कुछ गंदगी नहीं रहेगा। तो आप लोग इजीली इस चीज को परचेस कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो केस है इसका एंड इसका जो मतलब जो यहाँ पर लगा हुआ है इसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, तो इसका एंड इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए एक बार मैं पहनकर आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। एंड चलिए मैंने अपना हेलमेट भी पहन लिया। सो हियर्स माय मोटो व्लॉगिंग हेलमेट, बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही कमाल का है एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा। बहुत ही साफ सुथरा है, ज्यादा कुछ मेहनत का काम भी नहीं है, जब मर्जी आप इसको रिमूव कर सकते हो। एंड इस केस में क्या है, आपको उसको माउंट करके रखना पड़ता है फेविक्विक से, तो आप लोग उसको रिमूव भी नहीं कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। तो गिव अ लाइक एंड कमेंट भी करना कि कैसा लगा आपको। एंड अगर आप लोग एक मोटो ब्लॉगर बनना चाहते हैं या मोटो ब्लॉगर ऑलरेडी हो तो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय। ओए रुको रुको रुको, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, वो है कि अभी मेरे इंस्टाग्राम आईडी में चल रहा है एक गिव अवे कंटेस्ट। एंड गिव अवे कंटेस्ट में 3 विनर्स होंगे एंड जो विनर्स होंगे उनको मिलेगा ओरिजिनल मोटो जीपी कैप्स। यस गाइस, ओरिजिनल मोटो जीपी कैप्स आप लोगों को मिलेंगे अगर आप जीतते हो एक कॉन्टेस्ट। तो हरी अप एंड ज्वाइन द कॉन्टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, तो फटाक से जाइए मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में एंड स्टोरी चेक कीजिए, पोस्ट चेक कीजिए, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा अबाउट दिस गिव अवे कंटेस्ट। सो हरी अप एंड ज्वाइन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप लोग जीतते हैं तो आपके घर पे चला जाएगा मोटो जीपी कैप्स। सो कम ऑन, हरी अप एंड फॉलो बाइकर बॉय ज़ाहिर नाउ। बाय बाय, टेक केयर।